म्यूचुअल फंड यानी निवेश का एक ऐसा तरीका जो आसान भी है, किफायती भी और शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुकाबले सेफ भी। और जब बात आती है एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनने की तो कई स्कीम्स को ठोक बजा कर देखा जाता है, रिटर्न्स का कंपैरिजन भी होता है और इसी कंपैरिजन में एक बात निकल कर आती है कि लार्ज कैप फंड स्कीम्स कई बार बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले इतना अच्छा क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते या उनका रिटर्न नीचे क्यों फिसल जाता है। इसकी कई वजह हैं, चलिए इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। इनमें सबसे पहली वजह है मार्केट इंडेक्स में तेजी का दम भरने वाले चुनिंदा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो से गायब होना। होता यह है कि कई बार इंडेक्स में उछाल की वजह सिर्फ कुछ ही शेयर होते हैं। अब ये शेयर किसी एक ग्रुप के हो सकते हैं या हो सकता है कि इनका वेटेज इंडेक्स में ज्यादा हो। अगर ऐसे चुनिंदा शेयर पोर्टफोलियो में नहीं होते तो फंड मार्केट रैली का फायदा नहीं उठा पाता और रिटर्न्स पर इसका बड़ा असर पड़ता है। किसी खास सेक्टर के पोर्टफोलियो में होने या ना होने या उसके एक्सपोजर की वजह से भी लार्ज कैप फंड्स की परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। अगर किसी खास सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है और फंड में उसका एक्सपोजर ज्यादा है तो मतलब रिटर्न धड़ाम से नीचे गिर सकता है। वहीं अगर किसी स्पेसिफिक सेक्टर ने जोरदार रफ्तार पकड़ी लेकिन आपके फंड में उसकी जगह चुटकी भरी है तो रिटर्न भी चुटकी भरी मिलेगा, यानी आप सेक्टर की तेजी पर सवार होने से चूक जाएंगे। टाइमिंग के इसी खेल में फंड मैनेजर कितना माहिर है इसी से तय होता है कि लार्ज कैप फंड कैसा परफॉर्म करेगा। कोई लार्ज कैप फंड वैसे तो ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक्स में ही पैसा लगाते हैं, लेकिन फंड मैनेजर के पास थोड़ा स्कोप होता है कि वो कुछ मिड कैप या स्मॉल कैप शेयरों को भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सके। लेकिन अब अगर इन शेयरों के परफॉर्मेंस में ऊंच नीच हुई तो आपके कुल फंड का बैलेंस भी डगमगा सकता है, और वो भी इस हद तक कि लार्ज कैप शेयरों की अच्छी परफॉर्मेंस भी इसे मैनेज ना कर सके। तो यहाँ पर सही समय पर सही शेयरों का कॉम्बिनेशन चुनना बेहद अहम है। एक और अहम फैक्टर है जो आपके लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस को नीचे खींच सकता है, वो है पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर और इंडेक्स ट्रैकिंग। अगर कोई फंड इंडेक्स को बहुत ही करीब से ट्रैक करता है या कहें कॉपी करता है तो रिटर्न्स लिमिटेड होंगे। वहीं इंडेक्स इंडिपेंडेंट फंड में बेंचमार्क को बीट करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के काम करने के लिए दोनों ही सिचुएशन के बीच एक अच्छा बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो अब जब आप अपने लिए लार्ज कैप फंड चुनें तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखें। तो चलिए अब इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी। आपके काम की ऐसी ही जानकारी और दिलचस्प वीडियोस के लिए PQ Prime Hindi को सब्सक्राइब करें।